तड़प उठी थी सायरा बानो। जी हाँ, हर समय पति के साथ साय की तरह रहने वाली सायरा बानो, उन्होंने आखिर बार दिलीप कुमार के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे जिसके बाद सभी रो पड़े। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। आपको बता दें, ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले दिलीप कुमार का बुधवार 7 जुलाई को हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया। सुबह सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन जब ये बात सायरा बानो को पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद सभी दंग रह गए। जी हाँ, जिसके सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आए। वहीं के डॉक्टर ने, आपको बता दें कि वहां के डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो वहां के डॉक्टर्स तक रो पड़े और सायरा बानो की जीने की उम्मीद खत्म हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने 7 तारीख को इस दुनिया को अलविदा कहा। पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे दिलीप ने 98 ईयर्स में अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार के निधन से उनके तमाम फैंस और बॉलीवुड के सगी संबंध सभी दुखी हुए। दिलीप के जाने से सबसे गहरा सदमा उनकी बीवी सायरा बानो को लगा। बीती सुबह जब डॉक्टर्स ने सायरा को दिलीप के इंतकाल की खबर दी तो सायरा की हालत का मंजर उनके शब्दों से बयां हो रहा था। उनके मुंह से निकले शब्द यही कह रहे थे कि ऊपर वाले ने उनसे उनके जीने का सहारा छीन लिया है। दरअसल बीते दिन 7 जुलाई को दिलीप ने अपनी आखिरी सांसें ली। बता दें, जिस हॉस्पिटल में दिलीप का इलाज चल रहा था वहां के स्टाफ ने जब दिलीप के निधन की खबर सायरा को दी तो उनकी हालत बेसुध जैसी हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप कुमार का इलाज कर रहे थे, उन्होंने वो मंजर बयां किया है जब सायरा को उनके पति के निधन की खबर दी गई। दिलीप साहब के साथ आखिरी समय तक उनका साथ देने वाली सायरा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। जब उन्हें दिलीप साहब के इंतकाल के बारे में पता चला, रिपोर्ट की माने तो दिलीप कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि जब सायरा को दिलीप कुमार के निधन के बारे में बताया गया तो वो दर्द बयां करते हुए बोल पड़ी, ऊपर वाले ने मुझसे जीने का सहारा छीन लिया। बिना दिलीप साहब के मैं कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगी। ऊपर वाले ने मेरे जीवन का मकसद ही छीन लिया। वहीं सायरा बानो भी चाहती थी कि दिलीप कुमार 100 साल की उम्र पार करें। दिलीप कुमार के डॉक्टर्स भी यही चाहते थे कि वो 100 की उम्र पार करने वाले इंडियन सिनेमा के पहले स्टार बने, लेकिन दिलीप साहब 1.5 साल पहले ही गुजर गए। बता दें कि जब शाहरुख खान उन्हें संतावना देने घर पहुंचे तो सायरा फूट फूट कर रो पड़ी थी। शाहरुख खान उनके घर पहुंचे तो सायरा बानो का सारा दर्द सामने आ गया। शाहरुख खान को देख वो खूब रोई, क्योंकि सायरा बानो के लिए दिलीप कुमार ही सब कुछ थे। जब दिलीप साहब का पार्थिव शरीर कब्रिस्तान के लिए निकला तो वो सूनी आंखों से उन्हें देख रही थी। पति के निधन पर रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पति एक ऐसे सफर पर चले गए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आ पाता। आपको बता दें कि सायरा और दिलीप कुमार की शादी को पूरे 55 साल बीत गए थे। 1966 में खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से दिलीप कुमार ने शादी की थी। 22 साल की सायरा ने 44 ईयर्स के दिलीप कुमार से शादी कर अपना घर बसाया था। एक सच्चे हमसफर की तरह सायरा बानो हमेशा उनके साथ रही, लेकिन अब वो अकेली हो गई हैं। आपको बता दें, एक रिपोर्ट की माने तो दिलीप साहब सायरा की आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहते थे। जो दिलीप साहब कभी नहीं चाहते थे कि सायरा की आंखों में कभी भी आंसू आए, आज वही सायरा की आंखों में आंसू देकर चले गए। कभी सायरा की आंखों में आंसू नहीं आने देने वाले शख्स उन्हें हमेशा के लिए रोता बिलखता छोड़ गए। भले ही दिलीप साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें
हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। वहीं दिलीप कुमार के जाने के बाद उनसे जुड़े कई किस्से सामने आ रहे हैं, जिनमें उनके और सायरा बानो की लव स्टोरी के हसीन किस्से भी शामिल हैं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प रही है। उनकी रियल लाइफ से रियल लाइफ तक के कई ऐसे किस्से हैं जो दिलीप साहब के जाने के बाद सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है जब दिलीप साहब अपनी बेगम के लिए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीद कर लाए थे। दरअसल ये किस्सा उस दौर का है जब रेफ्रिजरेटर कुछ अमीर लोगों के घर में ही हुआ करता था। उस समय इसकी कीमत भी ठीक ठाक थी। वहीं जब दिलीप कुमार मुंबई के पाली हिल में अपने नए घर में शिफ्ट हुए, तब वो घर के तमाम जरूरत के सामान खरीद रहे थे। सामान की लिस्ट सायरा बना रही थी। उन्होंने इस लिस्ट में फ्रिज भी शामिल किया। सायरा बानो की दिली इच्छा थी कि नए घर में नया फ्रिज भी आए। वहीं अब दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो की कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ सकते थे। ऐसे में उन्होंने झट से नई फ्रिज ऑर्डर कर दी। अगले दिन जब नई फ्रिज घर पहुंची तो सायरा बानो उसे देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। उन्होंने झट पर फ्रिज को अनपैक किया और इसका दरवाजा खोला, लेकिन देखा कि फ्रिज के अंदर एक रैक टूटी पड़ी है। बस फिर फ्रिज की ऐसी हालत देखकर सायरा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। वहीं सायरा बानो की आंखों में आंसू देख दिलीप साहब तुरंत उनके पास गए और उनके आंसू पहुंचे। इसके बाद वो फ्रिज की टूटी रैक को ठीक करने में जुट गए। चंद मिनट में ही कपड़ा टांगने वाले एक हैंकर की मदद से दिलीप साहब ने उस रैक को ठीक कर दिया और काम करने लायक बना दिया। उस वक्त को याद कर सायरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिलीप साहब को कभी भी मेरी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी बात हो। पता नहीं कितने स्टार पति ऐसा कर पाते होंगे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। दिलीप साहब अपनी पत्नी को यूं अकेला छोड़ चले गए। उनके जाने के बाद सायरा बेहद टूट गई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सायरा हमेशा दिलीप साहब के साथ साय की तरह रही और हर सुख दुख में उनका ख्याल रखा। वहीं उनके जाने के बाद सायरा बानो की दुनिया सुनी हो गई है। जो सायरा बानो हर समय इंटरव्यू में दिलीप साहब के बारे में ही बात किया करती थी, वहीं उनके दिलीप साहब को लेकर आखिरी शब्द ये थे। आपको बता दें, जब उनको पता चला कि दिलीप का निधन हो गया तो उन्होंने कहा, उनके जाने से मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। आपको बता दें कि सायरा बानो की ये आखिरी शब्द जिन्होंने सबको रुला दिया था, डॉक्टर्स तक की आंखों में आंसू आ गए थे। जी हाँ, रोते रोते सायरा बानो ने सभी डॉक्टर्स के सामने इस बात को कह ही डाला कि मेरी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है, मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो चुका है। मेरी जिंदगी में एक ही मकसद था, वो था मेरे दिलीप साहब। आज वो नहीं रहे। इसी के साथ, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।